पिछले दिनों कृष्णा कॉलोनी में जो हवाई फायर का मामला सामने आया था, दहशत फैलाने का जो मामला था, वो जो दोनों युवक थे, तथाकथित जो युवक थे, दिल्ली से पिरागढ़ी के आसपास से असलाह खरीद करके वो लाते हैं, करनाल से बाइक चोरी करते हैं और भिवानी के दोनों ही निवासी है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस दोनों को ही भिवानी के एमसी कॉलोनी चौक से दबोचा है। एक युवक प्रणामी मंदिर के ठीक सामने रहता है, एक ठठेरा वाली गली में रहता है। दोनों ही युवक का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक नहीं है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं इनकी ये जो घटना को अंजाम देने का जो पहला ही ये कार्य बताया गया है, पुलिस की तरफ से जो तफ्तीश की गई है, पुलिस का कहना है ये सोनू उर्फ धीरा ये करनाल में अपनी बहन के पास रहता था और करनाल से ही बाइक चोरी की थी। आप भी जाओ साहब, खड़ा हो जाएगा। जी सर, क्या मामला है कृष्णा कॉलोनी का है? कृष्णा कॉलोनी में अभी कुछ दिन 13 तारीख को गोली चली थी, जो दहशत फैलाने के लिए जो गोली चलाई गई थी उसमें हमने दो बंदों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम, एक का तो धीरा सोनू है और दूसरे का नाम मनोज इलियस मोजी है, जो भिवानी के ही रहने वाले हैं। इन्होंने दहशत फैलाने के लिए शहर में जैसे चौक के ऊपर गोली चला दी, ताकि फिर इनसे दहशत फैला के दुकानदारों से पैसे या कोई और सामान लिया जा सके। क्रिमिनल टाइप के हैं सर या वैसे ही? ये अभी इनका कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल नहीं है। इसका धीरा सोनू का एक चोरी की एफआईआर दर्ज है, जो ये बाइक जिससे गोली चलाई थी, जो बाइक इन्होंने यूज की थी, वो बाइक ये करनाल से चोरी करके लेके आया था और करनाल में इसकी बहन रहती है, अपनी बहन के पास गया था, तो आते वक्त ये सेक्टर 12-13 से एक बाइक चोरी करके ले आया था, जो बाइक इन्होंने गोली चलाने में यहाँ यूज करी है। भिवानी में कहाँ के निवासी हैं सर? ये भिवानी में, ये तो प्रणव मंदिर है उसके सामने वाली गली में रहता है धीरा, अपने सोनू, और जो ये है ये अपना ठठेरा गली में, ये जो मनोज मोजी है ये उस गरीब का रहने वाला है। और इनसे अभी हमने असला बरामद हो गया है, बाइक बरामद हो गई है, जो वारदात में जो कपड़े पहने हुए थे वो बरामद हो गई है, और अभी इनसे गहनता से पूछताछ जारी है। धीरा सोनू से का हमने एक दिन का रिमांड लिया है, जो अभी गहनता से पूछताछ करेंगे, अभी इनके कौन कौन दोस्त हैं, ये बाकी सामान जो असला कहाँ से लेके आया था, ये भी पूछताछ है। हवाई फायर जो हुई सर, वो ज्वेलर्स की दुकान के सामने हुए थे, ज्वेलर्स की दुकान वाले से भी कोई रंजिश थी या वहीं से? नहीं, उनसे कोई रंजिश नहीं थी, ये तो शहर में दहशत फैलाने के लिए इन्होंने ये गोली चलाई। ये दोनों जो लड़के हैं सर, इनका बैकग्राउंड में कोई क्रिमिनल नहीं है? नहीं है। कितने एज के होंगे ये? ये करीबन 25-26 साल की उम्र के हैं और इनका अभी बैकग्राउंड कोई क्रिमिनल नहीं। हवाई फायर का ये पहला मामला कोई नोटिस में आया सर इनका? हाँ, इनका पहला मामला है हवाई फायर। सर, मकसद क्या था इनका जो हवाई फायर का? दहशत फैलाना। किसी से मॉनिटरिंग किया हुए थे या उनका अपनी मर्जी से किया? अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से इन्होंने दहशत फैलाने के लिए, ये बेरोजगार हैं और
पैसे की जरूरत थी, पैसे के लिए मैंने दहशत करनाल से बाइक यहाँ भिवानी लेकर के आया सर। हाँ जी, करनाल से लेके आया ये चोरी करके, और फिर इसने देखा भाई कुछ टाइम इंतजार करा है भाई, कोई बाइक का कोई क्रिमिनल वो तो नहीं हो गया है, तेरे पीछे कभी पुलिस तो नहीं लग रही है। जब इसको ये लगा भाई नहीं अब सेफ रह दूँ, तो इसके बाद इसने जो ये अपना मनोज इलियस मोजी है इसको भी अपने साथ मिलाया, और इन्हें दोनों ने मिलके फिर ये चोरी की बाइक का मामला पहले दर्ज है सर करनाल। हाँ, चोरी के मामला पहले दर्ज है।